मियां बीवी शादी हो गई, खुशियां, फ्यूचर के प्लान्स और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, दो सुपरस्टार। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। आपकी बात इन्होंने कवर किया, अच्छा लगा मुझे, पता चला है एक एक दिन गुजरते हुए। ये तो सारा जी ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियां बीबी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का होता है। नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। खेले ना 5 साल हो गए। मान सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के, देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब ही देखा जाता है, क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है, ग्रोसरी लेना? मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही है। खाली मेहंदी माइयों तक होता है बस। हाँ, तो खाना वाले मेहंदी माइयों, वो भी एक फीलिंग होती है कि यू नो अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा। जब अगले दिन पता चल जाता है कि होगा तो फिर आप कहते एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी। उसके बाद मियां बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ, सिर्फ हनीमून पीरियड। बहुत ही दो मियां बीवी हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं अब ये मैं आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियां बीवी हैं? याद दिलाते होंगे, रिमाइंड कराते हैं कि हाँ। आई अल्लाह ब्लेस देम, दे आर स्टिल टुगेदर। आई न्यू अ कपल एक्चुअली फ्रॉम द शोबिज़। तो उन दोनों मियां बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते, जिस तरह किसी ने हट जाना ना कल्ले होते सर ना। मैं तो क्योंकि वो यूज टू हो गया सर उन्होंने ना, तो आपस से लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे ही कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे, नहीं जानू आप देख लो, जैसे आप जैसे समझोगे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं सत के जाऊँ, आप करें ना जैसे आप ऐसे होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को देख के कहते हैं जारा जी तुम ऐसा देखती हो ना कि घर में तो आप जारा जी मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस सब कहती जी ऐसा जी बताएं। बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ, मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। यू रिसेंटली वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच एक्चुअली, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है देखने वाले, जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि दे मिस देयर फर्स्ट चाइल्ड,
आई ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई फर्स्ट बेबी एक्चुअली. वो ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह की. जिसने दुनिया में आना मेरे रब ने लाना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना. और जिसने शो में आना है वो आगे रहेगा, वो आके रहेगा. और हम इसलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते. तो हाउ डिड यू मैनेज एंड व्हाट वाज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है, उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी. दिस इज समथिंग दैट आई डोंट गेट अपसेट ओवर व्हेन इफ दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. इन्होंने इस बारे में पहले बात की थी, बट आई थिंक हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट लूजिंग अ चाइल्ड टुगेदर ऑल्सो मेक्स यू वेरी टाइट, क्योंकि आप बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है. आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देख ही लेते हैं. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक. एंड आई थिंक उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे. मेरी सारी चीजें अलग थी, मुझे बस मैं हर वक्त असद 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 और असद भी हर वक्त जारा जारा जारा. आई थिंक इट वाज दैट पॉइंट, शायद अल्लाह मियां ने हमें और करीब करना था और समझाना था कि जिंदगी में रुकना चाहिए और काम और चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए और फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू रियली रियली फोकस ऑन देम फिजिकली. हम घर के काम करती हैं, बहुत सारी औरतें घर के काम करती हैं, माँ बाप के काम करती हैं, बट वो भूल जाती कि इनमें उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ is very important, because उन्होंने पूरी family to have a healthy child. Yeah, to have a healthy child, it is very important. जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने बहुत सारे discussion groups join किए to figure out कि क्या होता है. I was shocked. अब जैसे आपने बताया कि आपके साथ हुआ, every now and then हर दूसरे घर में ये हुआ है. So obviously अल्लाह मियां की मर्जी तो है, but I think औरतें अपना ख्याल नहीं रखती. हमारे साथ जब ये वाकया हुआ तो she was very upset. Obviously. इतना ज़्यादा कि खैर ऑब्वियसली हम जैसा आपने कहा है कि हम लोग को नहीं इतना पता चल रहा होता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर लिहाज से उसको ज्यादा पता चलता है. तो मैं ज़ारा को मैंने कहा ज़ारा ठीक है हो गया, मे बी इसमें शायद बेहतरी हो अल्लाह की, तो फिक्र ना करो, शायद आगे अल्लाह और बेहतर करे, शायद ये वक्त ही नहीं था उसके आने का. वो शायद भी कहते हैं नहीं मैं अपना काम में लगी हुई थी तो मैं ये हो गई. मैंने कहा डजंट मैटर, मेन चीज ये थी कि इसने नहीं आना था तो नहीं आना था, इतनी सी बात. एंड इट्स सो फनी कि मैंने अपनी भाभी से कहा था कि आप जाएं जाके उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, तो भाभी कार्टन्स भर के अमेरिका से लाई. बट यही बात है ना, आप जितनी प्लानिंग कर लें, अगर अल्लाह मियां ने किसी को नहीं लाना तो वो सब कमरे बन रहे हैं. मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जैसे ज़ारा मुझसे अक्सर ना